वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज होना है उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो ऑपरेटर्स यूज होगा मैथमेटिकल पर्पस ना होके सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री से बेस्ट जो भी ऑपरेटर होंगे उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है और इसको किस प्रकार से यूज करना है अपने को, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ऑपरेटर्स हम किसको बोल सकते हैं? तो ऑपरेटर एक प्रकार का रूल है जो मैथमेटिकल वेरिएबल या फंक्शन को चेंज कर देता है, या यूं कहें कोई मैथमेटिकल फंक्शंस दिया गया है उस फंक्शंस को एक रूल के द्वारा दूसरे फंक्शन में हम चेंज कर देते हैं। तो जिस रूल के थ्रू हम उसको चेंज करेंगे उस रूल को हम बोलते हैं ऑब्जर्वर ऑपरेटर। ठीक, तो उस रूल को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ध्यान में ये रखना है अपने को, ऑपरेटर बिना फंक्शन के अगर प्रेजेंट है, मतलब बोला जा सकता है ऑपरेटर यदि इंडिपेंडेंटली वहाँ पर यदि प्रेजेंट है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता जब तक उस पर वो ऑपरेटर से अटैच ना हो। ठीक, ध्यान में रखना है ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो उसको ऑपरेटर को जनरली डिनोट करने के लिए जनरली हम, जैसे कि मैं कोई ऑपरेटर ए लेता हूँ तो उसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर कैप लगा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। इसके साथ कोई फंक्शन हमेशा अटैच रहेगा ही रहेगा तब तो ये यूजफुल का है ऑपरेटर। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई रूल होता है तो ये रूल हम बोल सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, या तो मैथमेटिकल रूल ही है ये, डिफ्रेंसिएशन हो सकता है या तो फिर इंटीग्रेशन हो सकता है, या सिंपली आप बोल सकते हो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, जो भी मैथमेटिकल रूल हम देखते हैं कुछ भी हो सकता है ये ऑपरेटर। ठीक, तो ये ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं फटाफट देख लेते हैं। ऑपरेटर डायरेक्शनल नेचर का होता है। डायरेक्शनल नेचर का होता है बोलने का मतलब क्या है इसका, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक साथ दो तीन ऑपरेटर अपने को दिया गया है। ठीक, ये इस प्रकार से दिया गया है और उसके साथ में कोई फंक्शंस लगा हुआ है, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलता है। लेफ्ट टू राइट बोलने का मतलब क्या है? सबसे पहले ये सी इसके साथ ऑपरेट करेगा, देन बी इसके साथ करेगा, फिर लास्ट में ए इसके साथ करेगा। तो इसका जो रूल का रूल के डायरेक्शनल नेचर बोलने का मतलब क्या है? सी टू ए जा रहा है, मतलब ये लेफ्ट, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है? ये राइट जा रहा है। सबसे पहले लेफ्ट वाला ऑपरेटर इस पर फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, देन उसके बाद राइट साइड वाला, फिर से देन राइट साइड वाला। तो या बोल सकते हैं जैसे कि ये सी एफ एफ एक्स इसके साथ जब ऑपरेट किया तो ये मान लेते हैं ये चेंज होकर क्या हो गया? जी एक्स हो गया। ठीक, ये जी एक्स के साथ क्या करेगा? ये बी ऑपरेट करेगा और ये जी एक्स मान लेते हैं फिर चेंज होकर और कुछ बना दिया, जैसे कि ये के एक्स बना दिया। फिर उसके बाद ये ए इस पर ऑपरेट करेगा और फाइनली आंसर जो भी अपना मिलना है मान लेते हैं एस एक्स। ठीक, तो ये फाइनली आंसर अपने को इस प्रकार से मिलेगा। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही अपने को ऑपरेट कराना है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा डायरेक्शनल नेचर का होता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर इच ऑब्जर्वेबल, यहाँ मैं सभी पॉइंट लिख दिया हूँ जो अपना काम का होगा क्वांटम केमिस्ट्री में। इच ऑब्जर्वेबल है एक पर्टिकुलर ऑपरेटर। ठीक, प्रत्येक ऑब्जर्वेबल के पास एक पर्टिकुलर ऑपरेटर होता है। जैसे कि हम क्लासिकल केमिस्ट्री या क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, जो भी वहाँ पर ऑब्जर्वेबल अपने को प्राप्त होता है उससे रिलेटेड क्वांटम केमिस्ट्री में कोई ना कोई एक ऑपरेटर होना ही है। ठीक, आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेबल, जैसे कि सिंपली हम बोल सकते हैं कोई पोजिशन ऑपरेटर, या तो फिर मोमेंटम ऑपरेटर, या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, या फिर एनर्जी से रिलेटेड कोई ऑपरेटर, बहुत सारे ऐसे क्लासिकल वेरिएबल अपने को मिलेंगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री में उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑब्जर्वेबल होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेबल अपने को देख लेते हैं हम, जैसे कि पोजिशन ऑपरेटर। जैसे कि ये सिंपली क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ही होता है, जैसे कि ये एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पर जा सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट पर भी पोजिशन बता सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट पर भी पोजिशन बता सकते हैं, यहाँ पर भी बता सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर क्लासिकल में क्या होगा? वाई एक्स वाई जेड होगा, तो क्वांटम में उसी के लिए हम ऑपरेटर यूज करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक,
यही इसका वैल्यू भी होता है। ठीक, दूसरा जैसे कि देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंबल होता है बी, सिंपली वो जो सिंबल होता है वही सिंबल यहां पर भी होगा, इस पर हम कैप लगा दिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होगा। अगर इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम बात करते हैं जैसे कि एक्स डायरेक्शन में तो वी एक्स हो जाएगा, अगर वाई डायरेक्शन में बात करते हैं तो वी वाई हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में बात करेंगे तो वी जेड हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों डायरेक्शन के लिए हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो दोनों ऑपरेटर हम बात कर रहे हैं पोजिशन और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, दोनों कौन इसका नेचर जो होता है ये होता है मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है, गुणज फॉर्म में होता है, ये इस प्रकार से ऑपरेट करता है। ठीक, अगला ऑपरेटर जैसे कि हम बात करते हैं, अगला ऑपरेटर देख सकते हैं मोमेंटम, अगला मोमेंटम, तो ये मोमेंटम में मोमेंटम के लिए सिंबल होगा ये पी कैप। ठीक, अगर तीन अलग अलग डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो फिर से इसको हम बोल सकते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, और इसका वैल्यू अलग होता है। यहाँ पर पी एक्स मतलब मोमेंटम का जो यहाँ पर ऑपरेटर का वैल्यू होगा ये होता है माइनस आई एच कट, और ये हो जाएगा सॉरी डो बाई डो एक्स, ये होता है मोमेंटम का ऑपरेटर का वैल्यू, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दिया हूँ, अगर वाई यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, यदि यहाँ पर मैं जेड लेता हूँ तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर और चीज एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एच कट का जो वैल्यू होता है ये होता है एच बाई टू पाई, और जो आयोटा होता है इसका वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस वन। ठीक, उस आधार पर इसका फिर से अगर दूसरा इस फॉर्म पर लिखना चाहें हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आई या आयोटा एच बाई टू पाई डो बाई डो एक्स, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एच बाई टू पाई, और इसको आई को मैं नीचे ले जाता हूँ, माइनस के साथ माइनस साइन चेंज हो जाएगा आई डो बाई डो एक्स, तब वो डिफरेंट फॉर्म पर दिया हो सकता है, सभी फॉर्म पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कोई सा भी फॉर्म लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स के लिए हुआ, अगर y के लिए बोलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, जैसे कि ये पी वाई लेता हूँ मैं माइनस आई एच कट, और ये हो जाएगा y। ठीक, आप इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये जो होता है इसका नेचर जो होता है आपको देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंशिएशन नेचर का है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिव नेचर, डिफरेंशिएटिव नेचर का ये होता है। अगला जैसे कि और बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका जो ऑपरेटर होगा के कैप होगा, फिर से आप बोल सकते हो अलग अलग डायरेक्शन के लिए तो के एक्स के वाई के जेड, इस प्रकार से दिया जा सकता है। और इसका जो वैल्यू अगर के एक्स मैं देता हूँ तो इसका वैल्यू हम ले सकते हैं एच क्रॉस टू एम डो बाई डो एक्स, ये स्क्वायर में होगा तो माइनस साइन, ये होता है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑपरेटर का वैल्यू होता है। अगर वाई के लिए बात करेंगे तो फिर यहाँ पर ये वाई हो जाएगा, जेड के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि टोटल एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो टोटल एनर्जी के लिए हम किस प्रकार से दे सकते हैं, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम यहाँ पर देखें, अभी ये जैसे कि एक्स डायरेक्शन के लिए बात करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से देंगे हम इसको, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करूँ तो भी डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से हम देंगे टोटल एनर्जी को। ठीक, और इसी टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है एच पर कैप, एच कैप को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये क्या होता है टोटल एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक,
अगला ऑपरेटर जैसे कि हम देख सकते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, तो लाप्लास ऑपरेटर क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर, इसका सिंबल होता है ये इस प्रकार से उल्टा डेल या तो फिर डेल का स्क्वायर, ठीक। और इस डेल का वैल्यू जो होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है डो बाई डो एक्स प्लस वाई प्लस, ये तीनों डायरेक्शन पर इसको लेना होता है। अगर स्क्वायर के बारे में बात किया जाए तो स्क्वायर के लिए सब में स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, दोनों ही फॉर्म को क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, डो बाई डो एक्स स्क्वायर स्क्वायर, इस प्रकार से इसको दिया जा सकता है लाप्लासियन ऑपरेटर। एक और जो ऑपरेटर होता है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम जब एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डिटेल से बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे अपने को इजी तरीका से याद करना है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिसका वैल्यू अपने को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही यूज होना है इसका। अगला जैसे कि प्रॉपर्टी देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए कैप, मतलब ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर का यदि पावर लगा हो एन तो आप उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बिना ऑपरेटर का उसको पावर लगा के आप उसको बाद में ऑपरेटर में चेंज कर सकते हो, और ये सिर्फ उसी के लिए ही वैलिड होता है जो मल्टीप्लिकेटिव नेचर का ऑपरेटर होता है उसके लिए। अगला पॉइंट जैसे कि देखते हैं लीनियर प्रॉपर्टीज, लीनियर प्रॉपर्टी क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जो लीनियर प्रॉपर्टी शो करेगा उसी को ही क्वांटम केमिस्ट्री में लिया जाता है, ठीक। और जो लीनियर प्रॉपर्टीज नहीं होता है उसको हम क्वांटम केमिस्ट्री में मेंशन नहीं करते, या तो आप उल्टा बोल सकते हो जितना भी ऑपरेटर क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होता है वो सब के सब लीनियर प्रॉपर्टीज बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। तो लीनियर प्रॉपर्टीज शो करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या होता है, जैसे कि एक ऑपरेटर लेता हूँ मैं और इस पर दो फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ठीक। एक ऑपरेटर लिया और दो फंक्शन अप्लाई किया, तो अगर ये लीनियर है तो आप ये जो वैल्यू मिलेगा कुछ इस प्रकार से भी अगर इसको ऑपरेट करते हैं तो भी सेम वैल्यू मिलेगा अपने को, ठीक। आप पहले फंक्शन को पहले एक दोनों को आप जोड़ सकते हो, उसके बाद उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, या तो आप दोनों को अलग अलग ले सकते हो, उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में सेम वैल्यू मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टीज। या तो आप इसको माइनस भी कर सकते हो, ठीक, प्लस भी कर सकते हैं या तो माइनस भी कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में अगर सेम वैल्यू मिलता है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर प्रॉपर्टीज। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, ए का वैल्यू यदि मैं मान लेता हूँ डी बाई डी एक्स ले लेता हूँ, ठीक, एफ एक्स का वैल्यू यदि मैं 3x लेता हूँ और जी एक्स का वैल्यू यदि 5x लेता हूँ, तो देखते हैं यदि इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और ऐसा सॉल्व करते हैं तो दोनों में सेम रिजल्ट मिलता है क्या। पहले इसको लेता हूँ मैं, तो a की जगह में मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स, एफ एक्स की जगह में 3x और जी एक्स की जगह लिखता हूँ मैं 5x, ठीक। इधर देखते हैं, इधर क्या है, ये a की जगह में डी बाई डी एक्स और एफ एक्स की जगह 3x प्लस a कैप की जगह फिर से मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स और जी एक्स की जगह लिखता हूँ 5x। चेक कर लेते हैं दोनों अगर वैल्यू सेम आता है तो लीनियर प्रॉपर्टीज होगा, दोनों को जोड़े तो ये मिला डी बाई डी एक्स और ये हो गया 8x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, आपको पता ही होगा ऑपरेटर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 डी बाई डी एक्स और ये x, ठीक। तो फाइनली इसका वैल्यू अपने को मिल गया 8, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 8 मिल गया। उसी प्रकार से इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 डी एक्स बाई एक्स और इतना को सॉल्व करता हूँ तो 5 फिर से बाहर होगा डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक। यहाँ से मिला अपने को 3 और यहाँ से मिला अपने को 5, तो टोटल मिलाकर यहाँ भी होगा कितना 8, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं ये जो ऑपरेटर है, ठीक, ये ऑपरेटर क्या करेगा,
लीनियर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक, अगर लीनियर प्रॉपर्टीज नहीं होता तो दोनों साइड सेम रिजल्ट अपने को प्राप्त नहीं होता। दूसरा, जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मैं ऑपरेटर को ऑपरेटर एक कैब इसको मैं ले लेता हूं अंडर रूट और एफ एक्स को ले लेता हूं मैं 2 और जी एक्स को भी ले लेता हूं 2, समझने में थोड़ा इजी होगा। तो यदि इस प्रकार से अगर अब बात किया जाए तो इस पर यदि इस टाइप से मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2+2 एफ एक्स और जी एक्स 2+2, ये हो जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू, इधर अगर बात करते हैं अंडर रूट 2 एफ एक्स 2 अंडर रूट और जी एक्स 2 ये अंडर रूट, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट और आपको पता है 4 का अंडर रूट बराबर क्या होगा 2, और यहाँ पर इसका अंडर रूट आ जाता है 1.4 और इसका अंडर रूट आ जाएगा 1.4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8। तो दोनों तरफ सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। कौन सा, अंडर रूट। ठीक, ये लीनियर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो इसका ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को मिल जाएगा लीनियर प्रॉपर्टीज के। तो आपको जैसे कि मैं स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, क्वांटम केमिस्ट्री में जितना भी ऑपरेटर्स यूज होता है वो सब के सब क्या होता है, लीनियर प्रॉपर्टीज शो करता है। तो जितना भी क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको ऑपरेटर्स पता हो वो सब क्या है, लीनियर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जैसे कि मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हो, पी एच पी वाई पी जेड, या तो फिर एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हो, एल एक्स एल वाई एल जेड, या तो फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोल सकते हो, या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितना भी आपको पता है, जो भी ऑपरेटर इससे आपको पता है वो सभी के सभी क्या होते हैं, लीनियर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दूसरा, यहाँ पर और क्या कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि अभी देखे डी वाई डी एक्स एक लीनियर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। ध्यान में रखिएगा, इस पर जितना भी पावर लगा हो, कोई भी पावर लगा हो, सब के सब क्या करते हैं, लीनियर प्रॉपर्टीज ही शो करता है। ठीक, नॉन लीनियर में कौन कौन सा कैटेगरी आएगा, इसका कौन एग्जांपल क्या क्या बनाता है नॉन लीनियर के लिए। तो नॉन लीनियर के लिए देखिए, इधर लिख देता हूँ, नॉन लीनियर ना, नॉन लीनियर के लिए आपको मिल जाएगा अंडर रूट। दूसरा, अगर कोई स्क्वायर कंडीशन में दिया है, कोई भी एक्स वाई जेड फंक्शन है यहाँ पर उसका स्क्वायर लगा है या कोई भी पावर लगा हो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर में ही आएगा। या फिर कॉस साइन या फिर लॉग, लॉग में कोई सा भी ले सकते हैं, नेचुरल लॉग भी लिया जा सकता है या जिसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं या तो एल एन करके भी लिखा रहता है। ठीक, तो ये सब क्या आएगा, नॉन लीनियर कंडीशन में होते हैं। अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कम्यूट करेगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, यदि ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी यदि इस प्रकार से रिलेशन को आपस में सेटिस्फाई करता है तो ये क्या होता है, कम्यूटेशन कहलाता है। कम्यूटेशन होता है दोनों का, ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे, और अगर इस प्रकार से रिलेशन शो नहीं करता तो आपस में कम्यूटेशन कम्यूटेटर नहीं होते। तो इसको जैसे कि इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि ये दोनों का सब्सट्रैक्शन लेते हैं, ये बी ए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है यहाँ पर, तो अगर माइनस करेंगे तो ये जीरो मिलेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कंडीशन क्या कहलाता है, कम्यूटेशन का कहलाता है। ठीक, ये दोनों ऑपरेटर आपस में कम्यूट कंडीशन में है। यदि ये दोनों ऑपरेटर इक्वल नहीं है तो ये कहलाएंगे आपस में नॉन कम्यूटेटर। ठीक, ये आपस में कम्यूटेशन शो बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे पूरा क्लियरली समझ में आए। जैसे कि मैं ऑपरेटर ए की जगह ले लेता हूँ डी वाई डी एक्स, और ऑपरेटर बी के जगह लेता हूँ मैं 3x² ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक फंक्शन लगा लेते हैं, ले लेते हैं sin x, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटर का इंडिपेंडेंटली कोई एक्जिस्टेंस नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता जब तक उसके साथ कोई फंक्शन लगाना हो। ठीक, तो यहाँ पर मैं फंक्शन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि आपस में कम्यूटेटर है कि नहीं, ये दोनों ऑपरेटर आपस में कम्यूटेशन बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ ये वाला कंडीशन को, और इस कंडीशन में देखते हैं तो a बराबर क्या है, डी बाई डी एक्स है, और b बराबर है 3x², और फंक्शन उसके साथ लगा लेते हैं sin x। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता होगा
जब इस प्रकार से कंडीशन आता है इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या ऊपर आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको पता ना हो तो। ठीक, इस प्रकार के कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये दो स्टेप दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो अगर इसको सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप को हम क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट करते हैं, कॉन्स्टेंट मतलब इसका बाहर कर देंगे इसको, और सेकंड स्टेप का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जो स्टेप का हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको हम बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और जिसका नहीं किए हैं उसको हम डिफरेंशिएट में ले आते हैं, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स, और इसका हो जाएगा, ये पावर में है, पावर सामने आ जाता है, तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर में भी यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक, इसका वैल्यू यहाँ पर हमें को ये मिलता है। दूसरा कंडीशन बी ए करते हैं, ठीक, तो बी ए करते हैं, तो बी में है 3x² और ए में है dy/dx, और यहाँ पर इसका फंक्शन है साइन एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x² और इसका हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसको और इसको देखिए यार, तो दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो दो ऑपरेटर यहाँ पर अपने को मिला है या लिया गया है आपस में कम्यूटेशन के कंडीशन में नहीं है, आपस में कम्यूट नहीं कर रहा है। ठीक, एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे पूरा का पूरा क्लियरली समझ में आ जाइए, और इस कंडीशन इस बार मैं लेता हूं, ऑपरेटर ए को मैं लेता हूं जैसे कि पहले लिया था dy/dx, ऑपरेटर बी को ले लेता हूं d²dx², और फंक्शन को वैसा ही ले लेते हैं साइन एक्स। ठीक, बी ए के बारे में बात करता हूं, बी ए सॉरी ए बी, तो यहां पर ए के जगह में है dy/dx और बी के जगह में क्या लिया हूं d²dx² और फंक्शन है इसका साइन एक्स। ठीक, इधर लेता हूं, चेक कर लेते हैं पहले है कि नहीं है बराबर, बी के जगह लेता हूं d²dx² और ए के जगह में है dy/dx और इसका फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स। तो दोनों तरफ देखने से आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहा होगा, इसको मैं फैला देता हूं, तो ये हो जाएगा dy/dx क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स और dy/dx डॉट dy/dx डॉट dy/dx और ये साइन एक्स। तो आपको दोनों साइड क्या दिख रहा होगा, बराबर दिख रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, आपस में दोनों तरफ बराबर है, अर्थात ये जो दो ऑपरेटर अपने को यहाँ पर लिया गया है ये आपस में कम्यूट कर रहा है। इस प्रकार से कम्यूटेशन है कि नहीं, कम्यूटेटर है कि नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक, इसके बारे में डिटेल से हम बहुत सारे इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कम्यूटेटर और हर्मिशियन ये दोनों पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में फुल डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो पर हम बात करेंगे। अगला जो प्रॉपर्टीज है हर्मिशियन, इसके बारे में बात कर लेते हैं, हर्मिशियन क्या होता है, तो हर्मिशियन के लिए इसके लिए कंडीशन, अगर मैं बात करता हूं दो ऑपरेटर लेता हूं सॉरी दो फंक्शन लेता हूं और एक ऑपरेटर लेता हूं, एक ऑपरेटर लिया एक है और दो फंक्शन लिया साई 1 और ये साई 2। ठीक, साई 1 साई 2, या तो फिर आप साई ले सकते हो या तो फाई ले सकते हो, ठीक, कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। ठीक, तो यहां पर ये कंडीशन अगर इस प्रकार से मिलता है साई 1 ए कैप और साई 2, यहाँ पर कोई एलिमेंट लगा लेते हैं और दूसरा साई 2 ए कैप साई 1। ठीक, तो ये दोनों आपस में जैसे कि मैं फंक्शन को अगर एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ऑपरेटर को एक बार इसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो एक बार उसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, तो दोनों ही कंडीशन में यदि ये बराबर आता है तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन। या तो ये आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है साई 2 dx या तो फिर साई 1 dx, जैसा भी हो या उसके साथ या उसके साथ। ठीक, तो ये क्या कहलाता है,
हर्मिशियन ऑर्बिटल कहलाता है। अगर इस प्रकार से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये आपस में हर्मिशियन ऑर्बिटल कहलाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वांटम केमिस्ट्री से पढ़ने से पहले ऑपरेटर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसका ओवरव्यू हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब ये कम्यूटेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर जो है, इसके बारे में डिटेल स्टडी या डिटेल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।